जून को पटना में होने वाली विपक्षी बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पटना में होने वाली बैठक से पहले ही विपक्षी दलों के टूटने की खबरें आने लगी हैं। तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में सत्तासीन पार्टी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पटना में एक एक करके एक एक घटना घट रही है। जो जनता दल यू के साथ सरकार में थे श्री जीतन राम मांझी जी, अभी कल वो सरकार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए उसका हिस्सा बन गए। अभी मैं आ रहा था तो राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष हैं वह अभी वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहाँ जा नहीं रहे हैं। ये भानुमती का कुनबा जुड़ने वाला नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता एकत्र होकर के तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी पर बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है और बाबा की कृपा जिस पर होगी कमल तो खिलाएंगे ही वो। और तीसरी बार, पहली बार से ज़्यादा दूसरी बार सांसद उनके समर्थन में जीते, जब तीसरी बार होगा तो 350 से अधिक तो कमल के फूल खिलेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कौन? अभी माननीय गृह मंत्री जी ने 24 तारीख को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। तो मैं क्या उनको, मैं तो चाहता हूँ बढ़िया ट्विटर फेसबुक पे रहें, हमारा कमल चारों तरफ खिले, जो बचा कुचा सपा बसपा कांग्रेस का कहीं कुछ है वो भी खत्म हो जाए और सारे उनके जो प्रत्याशी लोकसभा 24 में आवे उनकी जमानत जब्त हो जाए। गिरगिट से भी ज्यादा जो रंग बदलना जानते हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कौन सा मुद्दा हो सकता है कौन सा मुद्दा नहीं हो सकता है, वो भारत भ्रमण पे निकले हैं अध्यादेश को लेकर के, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और देश बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज काशी के सम्मानित हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में सारी मर्यादाओं को पहले ही तार तार कर चुकी है और कांग्रेस माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से अपना जनाधार बढ़ा रही है और लगातार कांग्रेस की हार की तड़पड़ में जो तड़प रहे हैं उसके कारण इस प्रकार के बयान है। धन्यवाद। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री सीधे मंडलायुक्त सभागार पहुंचे, जहां पर वे गांव को विकसित करने के लिए खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुखों के साथ मीटिंग कर विकास को तेजी कैसे दी जाए जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर विकास कार्य और चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड के साथ।